Hey beautiful people, good morning and welcome to JKSSB online tutorial. मैं हूं सतीश और आज का जो इम्पोर्टेंट लेक्चर रहने वाला है ये किसी MCQs पे नहीं बल्कि हम लोग आज लेने वाले हैं आप सबका वीकली क्यूज, मतलब 17 अप्रैल से लेकर लास्ट संडे सैटरडे तक हमने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस करे आज उन सभी क्वेश्चंस का टेस्ट आपका है, ठीक है। मतलब अगर हम बात करें तो 6 दिन हमने पढ़ा और 6 दिन में 60 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे और 60 क्वेश्चन में भी टॉप 10 क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ यू विल सी ऑल दिस क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। ऑलराइट, तो आज उन्हीं टॉप 10 मतलब वीक के टॉप 10 MCQs का क्यूज टेस्ट आप लोगों के साथ। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग सारे अपना पेन और कॉपी जो है वो निकाल लें और जैसे जैसे मैं डिस्कस करता जाऊंगा आप लोग मेरे साथ, मतलब जैसे मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आप अपने अपनी कॉपी पे लिखते जाएंगे एंड लास्ट में आप लोग चेक करोगे कि आपके कितने सही थे और कितने गलत, और वो लास्ट में आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपके कितने क्वेश्चन आंसर सही थे और कितने गलत है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा है कि हु लॉन्च्ड, किन्होंने लॉन्च करा है वर्ल्ड का लार्जेस्ट मोस्ट पावरफुल रॉकेट जिसका नाम था स्टारशिप, ठीक है, जो अभी मतलब जिसका एक मैसिव फेलियर रहा, जो फेल हो गया, ठीक है। तो कौन सी कंपनी ने ये लॉन्च करा था? आपके पास 5 सेकेंड्स हैं, आप लोग पॉज करिए वीडियो और इसका जो आंसर है वो अपनी कॉपी पे लिखिए, ठीक है। चलिए ओके डन, आई होप जिनको आता होगा उन्होंने लिख दिया। भाई ये क्वेश्चंस अगर आप रेगुलर व्यूअर हो, रेगुलर मेरी लेक्चर्स देखे हो करंट अफेयर के, देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इजिली। तो इसका जो आंसर है दैट इज स्पेस एक्स। क्या आंसर है? स्पेस एक्स। और स्पेस एक्स के जो फाउंडर हैं वो कौन है? दैट इज इलॉन मस्क, ठीक है, इलॉन मस्क। ओके चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से इंडियन अमेरिकन हैं जो अपॉइंटेड हुए हैं अभी, व्हाट, जो अपॉइंटेड हुए हैं एज अ डेप्यूटी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस इन यूएस। मतलब कौन से इंडियन अमेरिकन अपॉइंट हुए हैं यूएस डिफेंस के अंदर एज अ डेप्यूटी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस इन जम्मू इन यूएस। ओके तो इसका इसके लिए भी यू हैव 5 सेकेंड्स, यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड आंसर दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक। ओके चलिए इसका जो आंसर है दैट इज राधा अयंगर प्लम्ब। ओके ठीक है, और ये डेजिग्नेट हुए हैं यूएस सीनेट, मतलब सीनेट होती है वहां की पार्लियामेंट, एज अ डेप्यूटी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस। ओके शी हैज बीन वर्किंग एज अ चीफ ऑफ स्टाफ, क्लियर है। चलो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस करे हुए हैं जो भी हम बात कर रहे हैं आज की इस वीडियो में क्यूज ही चल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन पूछा है कि कौन से इंडियन लॉन्ग जंपर हैं जिन्होंने क्वालिफाइड करा है एशियन गेम्स के लिए। कौन से इंडियन लॉन्ग जंपर है जिन्होंने क्वालिफाई करा है एशियन गेम्स के लिए? तो इसका आंसर आप लोग अगेन यू हैव 5 सेकेंड्स एंड इसका पॉज करिए और आंसर जो है वो लिखिए अपने नोटबुक पे। ओके तो इसका जो आंसर है दैट इज शैली सिंह। क्या आंसर है? शैली सिंह। ओके तो शैली सिंह की बेसिकली जो वुमेन लॉन्ग जंप इवेंट हो रहा था इंडियन ग्रैंड पिक्स में जो ऑर्गेनाइज हुआ था बेंगलोर में, वहां पे इनकी सिलेक्शन हुई है, ठीक है, मतलब उन्होंने वो ग्रैंड पिक जीता और उसके बिहाव पे ही क्वालिफाइड हुए एशियन गेम्स के लिए। ओके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी स्टेट जो है पहली स्टेट बनी है जिसने प्रिपेयर करा है DNA डाटाबेस किसके लिए? फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज। तो इसका आंसर आप लोग लिखिए, यू हैव 5 सेकेंड, पॉज दिस वीडियो। ओके चलिए इसका जो आंसर है दैट इज हिमाचल प्रदेश। क्या? हिमाचल प्रदेश। ऑलराइट नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी कंट्री इंडिया की लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बनी है, इंडिया की लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बनी है, बताइए। अगेन यू हैव 5 सेकेंड और लिखिए क्वेश्चन आंसर इसका। चलिए इसका आंसर है यूएसए। क्या आंसर है? यूएसए। ऑलराइट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी इंडियन कंपनी है जिसने रिसेंटली अचीव करा है मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 5 लाख करोड़ का, 5 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन कौन सी इंडियन कंपनी ने रिसेंटली अचीव करा है? अगेन यू हैव 5 सेकेंड। ओके राइट दिस आंसर इन योर नोटबुक, ऑलराइट एंड आफ्टर दैट आई विल गिव द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ओके
इसका आंसर है आईटीसी लिमिटेड। क्या आंसर है? आईटीसी लिमिटेड। ऑलराइट, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितने मिलियन डॉलर का लोन दिया है बांग्लादेश को फॉर फ्लड रिहैबिलिटेशन। ठीक है, फॉर फ्लड रिहैबिलिटेशन के लिए कितना लोन जो है दिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। तो अगेन पॉज दिस वीडियो एंड राइट योर कमेंट, सॉरी राइट योर आंसर इन द शीट। ओके, तो इसका जो आंसर है सही, दैट इज 230 मिलियन। क्या आंसर है? 230 मिलियन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मैनी यूएस डॉलर्स अनाउंस बाय यूएस एज द 36 सिक्योरिटी पैकेज फॉर यूक्रेन। यूएस ने कितने डॉलर्स अनाउंस करे हैं 36 सिक्योरिटी पैकेज यूक्रेन के लिए? तो इसका आंसर अगेन, यू हैव 5 सेकेंड्स। ओके, चलिए इसका जो आंसर है दैट इज 325 मिलियन डॉलर। कितना? 325 मिलियन डॉलर। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं माय डियर। ओके, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन विच कंट्री इंडिया की हाई कमीशन ने स्टार्ट करा है 16 वीजा एप्लीकेशन सेंटर। कौन सी कंट्री में इंडियन हाई कमीशन मतलब हाई कमांड ने अपना 16वां वीजा एप्लीकेशन सेंटर जो है वो स्टार्ट करा है? चलिए अगेन यू हैव 5 सेकेंड, पॉज दिस वीडियो, राइट दिस आंसर ऑन योर नोटबुक। ओके, डन। ऑलराइट, इसका जो आंसर है दैट इज बांग्लादेश। कौन सी कंट्री में इंडिया ये हाई कमीशन ने स्टार्ट करा है? बांग्लादेश में। क्लियर है? अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा है कि कौन से यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च करा है यूथ पोर्टल इन न्यू दिल्ली। विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च यूथ पोर्टल इन न्यू दिल्ली? ऑलराइट, अगेन यू हैव 5 सेकेंड टू आंसर दिस क्वेश्चन, टू राइट दिस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑन योर नोटबुक। डू इट फास्ट। ओके, डन। चलिए इसका जो आंसर है दैट इज डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ऑलराइट, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ओके, सो इफ यू राइट डाउन ऑल द आंसर्स करेक्टली, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू डियर, बिकॉज यू डिड अ रिमार्केबल एंड अप्रिशिएबल जॉब। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम इज नॉट अबाउट टफ क्वेश्चन एंड आंसर्स, इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट डायरेक्शन एंड राइट व्यू ऑफ लर्निंग। ऑलराइट, अगर आप लोग सही तरीके से अकॉर्डिंग टू एग्जाम एंड अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ रहे हैं, आई डोंट थिंक यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट द टफनेस एंड ऑल दोज थिंग्स। ओके, बिकॉज सिलेक्शन जो है वो कुछ चीज़ें डिमांड करती है, एंड इफ यू अंडरस्टैंड द माइंड सेट ऑफ JKSSB, यू कैन ईजिली क्रैक दिस एग्जाम विदाउट डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड ऑल। इट इज ऑलवेज टू लर्न द राइट थिंग रादर देन डूइंग अ टफ जॉब। ऑलराइट, सो आज का जो लेक्चर है, हाउ इट विल बी, ये क्यूज आपको कैसे लगे प्लीज हिट इन द कमेंट सेक्शन। पहले तो आप लोग ये बताओगे आपके क्वेश्चन जो हैं वो कितने सही हैं, पहले तो आप ये कमेंट सेक्शन में बताओगे, उसके बाद आप लोग बताओगे कि हाउ दिस करंट अफेयर जो लेक्चर्स मतलब ये जो डेली बेसिस पे लेक्चर्स मैं अपलोड कर रहा हूँ, हाउ इट हेल्प्स यू, हाउ इट इज हेल्पिंग यू। ओके, हाउ इट इज हेल्पिंग यू। ओके, बाकी आप लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइनिंग के लिए आपको मैसेज करना है 7006332724। जैसे आप इसमें मैसेज करेंगे आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड हो जाएगी, और हमारी जो बुक लॉन्च हुई है उसके भी आपको डेमोज मिल जाएंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।